जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत बढ़िया अपडेट है कि क्लास 12th के लिए डेटशीट में चेंजेस करे गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। जो आपने पहले डेटशीट डाउन करी थी उसको अब आप डिलीट कर दें, क्योंकि यही आपकी नई डेटशीट है। अब नई डेटशीट में क्या बदलाव है इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो 29 तारीख को जो एग्ज़ाम्स थे, यानी कि 29 के बाद अगर आप देखेंगे 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 28 के बाद 29 में जितने भी एग्ज़ाम्स थे उसमें चेंजेस हुए हैं। 29 तारीख में अगर आप देखें तो इंग्लिश इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है और इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है। उसके नीचे के सारे सब्जेक्ट अब 30 तारीख को होंगे। 29 तारीख के साथ जो इंक्लूड करे गए थे वो नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि जो डेटशीट पहले अनाउंस करी गई थी उसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 29 जो थी वो लास्ट डेट थी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, पर ऐसा नहीं है। 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 30 तारीख को भी एग्ज़ाम होना है। 30 सितंबर को जो बाकी के नीचे वाले एग्जाम्स हैं वो आपको करने हैं। उसकी डेटशीट आपको डाउनलोड कर लेनी है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लास 12 की डेटशीट आपको डाउनलोड करनी है जिसके अंदर चेंजेस हुए हैं। और ये जो है एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था, जब मैंने इसको देखा और उन्होंने मुझे मेल करा तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि जो 29 वाले सब्जेक्ट थे वो आधे तो 29 में रहेंगे और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट थे वो 30 तारीख को होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। कोई समझ आए, कोई आपको डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस होता है नहीं बात करेंगे। थैंक यू।